हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जालौर के लिए तीन बड़ी अच्छी खबर। पहली तो ये कि जालौर में 25 लोगों ने कोरोना की जंग जीत ली। लगातार दो रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। दूसरी अच्छी बात ये है कि दो दिन में सिर्फ एक ही कोरोना पॉजिटिव सामने आया है और 636 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एक पॉजिटिव रानीवाड़ा के डुंगरी में सामने आया है। वहीं तीसरी राहत भरी खबर ये है कि जालौर शहर में निर्धारित समय पर अनुमत गतिविधियां शुरू होने के कारण मार्केट खुल गया। कई दिनों के बाद मार्केट खुलने से व्यापारियों के चेहरे पर नूर नजर आया। कोरोना संक्रमण की रोकथाम में जिला प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग समेत कई विभाग तत्परता से जुटे हुए हैं। आमजन को जागरूक कर सतर्क करते हुए कोरोना संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा गजेंद्र सिंह देवल ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम में जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के निर्देशन में चिकित्सा विभाग मुस्तैदी से जुटा हुआ है। विभाग के कार्मिकों द्वारा आमजन को जागरूक कर सैंपलिंग, स्क्रीनिंग, क्वारंटाइन आदि गतिविधियां आयोजित कर कोरोना के प्रति सतर्क किया जा रहा है। जिले में अब तक कुल 6928 सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 5360 की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। जिले में अब तक कुल 154 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 1405 सैंपल प्रक्रियाधीन है। वहीं कोरोना पॉजिटिव आए लोगों के रिपीट जांच में 10 लोगों की द्वितीय जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।